मॉर्निंग इंडिया द हिंदू एनालिसिस सुबह 6 बजे डेली वो कैब सुबह 8 बजे मैथ्स मंथन सुबह 10 बजे जीके ज्ञान दोपहर 12 बजे रीजनिंग मंत्रा दोपहर 2 बजे इंग्लिश डोज शाम 4 बजे CDS स्पेशल शाम 6 बजे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study चैनल को. Hello, good. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. मैं साहिल खंडेलवाल और आप सबको गुड आफ्टरनून. सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से और आज हम पढ़ेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज. तीन तीन चैप्टर आज ही खत्म करा देंगे. बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज. प्रैक्टिस का मतलब क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम 50 आउट ऑफ 50 को लेके चल रहे हैं. ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट है, वो पूरा करेंगे. ये मेरा मोटिवेशन कहता है और ये आपका दिल भी कहना चाहिए. जिस दिन दिल ने आवाज़ दे दी कि सिलेक्शन है तो उस दिन है. जिस दिन कहेंगे पेपर अच्छा हुआ तो उस दिन होगा. तो सिर्फ माइंड सेट का दिक्कत है. आज साउथ अफ्रीका में ट्रबल कर रही है इंडिया. क्यों? सिर्फ माइंड सेट नहीं है उनका जीतने का. अगर माइंडसेट है तो बिल्कुल अच्छे कर पाओगे आप, हर चीज को अच्छा कर पाओगे. तो सब लोग जुड़ जाओ. वेरी गुड, गुड आफ्टरनून. सुधीर जी, गौरव पचौरी जी जुड़ चुके हैं. बफरिंग कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है. रिफ्रेश कर ले पेज को बिल्कुल, ठीक है ना. हाँ जी, सबको गुड आफ्टरनून. राधे राधे और राम राम. सुबह मैथ की क्लास थी चंचल जी, आज मैथ की क्लास थी सुबह. तो हम आज किस किस के क्वेश्चन करेंगे, किस किस के क्वेश्चन करेंगे आज हम. वाटर इमेज जो कि एक मिरर ही तो है. अगर यहाँ पे पानी भर दिया मैंने, यहाँ पे पानी भर दिया, ये एक नदी है मेरे पास और यहाँ पे एक बच्चा ऐसे खड़ा हुआ है बेचारा और अपने आप को देख रहा है, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? यहाँ पे नदी में कैसे दिखाई देगा? ऐसी तो दिखाई देगा ये. तो वाटर, अब इस तरीके से आप इसको भी ऐसे भी ले सकते हो कि एक कांच है, कांच में अपने आप को एक लड़की निहार रही है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? इस तरीके से बनेगी. तो सेम है, वाटर इमेज या फिर कांच वाला या फिर मिरर इमेज, तो ये दोनों सेम है, सिर्फ कंफ्यूजन है. फिगर कंप्लीशन में क्या होता है कि आपको एक गोला दिया होगा इस तरीके से, इस तरीके से आपको ये काट दिया मान के चलिए, आपके लिए यहां पर होल कर दिया सब जगह. ठीक है, आपसे ये वाला हिस्सा पूछ लिया इसको उड़ा के, मतलब ऑप्शन में डाल दे कि भाई इसका कंप्लीशन कैसे होगा, कंप्लीट कैसे होगा, इस तरीके से कंप्लीट होगा. तो ये फिगर कंप्लीट बन गया. आपको पूरी आकृति बनानी पड़ेगी. वो कैसे बनाओगे? इसकी फोटो ये, इसकी फोटो ये, इस तरीके से चलता है. ठीक है, सब लोग जुड़ जाइए. गुड आफ्टरनून आप सबको. देखिए मजा आएगा, देखिए हंसते रहिए जिंदगी में, मजा आ जाएगा लाइफ में. और आपको पता है सफलता, असफलता तो अच्छी बात है. असफलता से हमें कुछ सीखने को मिलता है, सफलता से हमें आगे बढ़ने की साहस मिलता है ना. बिल्कुल बिल्कुल, सलाम बिल्कुल सलाम. जो आप जुड़ जाइए, सत श्री अकाल सबको. हाँ जी, 4 बजे की क्लास होगी आज. हर सर क्लास लेंगे आपकी इंग्लिश की एज यूजुअल, जिस तरीके से लेते हैं, है ना. कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेट कोई दिक्कत नहीं. सब लोग जुड़ जाइए, जितना लोग जुड़ना है उतना जुड़िए, मजा आएगा आज, है ना. हाँ, सेम क्वेश्चन आते हैं. चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन किस तरीके का है, आंसर दीजिए फटाफट से और मैं आपको बताऊंगा, हर चीज क्लियर करके चलेंगे, है ना. पहला क्वेश्चन आ चुका है और आपकी प्रैक्टिस भी, बहुत सारे क्वेश्चन है आज, खूब जम के प्रैक्टिस करना. फिर लास्ट में ट्रिक भी डिस्कस करेंगे. ट्रिक के लिए तैयार है ना आप सब? मजा आता है ना ट्रिक पढ़ने में, कुछ सीखने को मिलेगा जरूर. थैंक्स नीरज कुमार जी, IBPS कैलेंडर मैंने डाल दिया है उसके लिए थैंक्स. और मैं क्लासेस भी जल्दी लेके आऊंगा IBPS की. हाँ जी, आंसर दीजिए मुझे. क्वेश्चन आ चुका है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है. मौरी मोंदल ने आंसर भी दे दिया है 3. रोहित का भी आंसर आ चुका है, बिल्कुल 3 3 3 स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन आ चुके हैं. चलिए बहुत आसान, क्या बोला गया है, एक कांच लगाया गया है आपके सामने. आपको वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर एक पॉइंट यहां पे ये रहा, मान के चलिए इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा मैं, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक एग्जांपल है. ठीक है, एक पॉइंट यहां पे ये रहा, एक पॉइंट यहां पे ये रहा, यहां पे एल है मेरे पास. तो आपको जब फोटो बनेगी ना, तो ये उसके इतना ही पास बनेगा. ये आपका मिरर है, ये मिरर है, तो आप ये पॉइंट कहां दिखेगा, वो जितना पास ये पॉइंट है, मतलब इसको मैं मान लेता हूं स्टार, इसको मैं स्टार मान लेता हूं, इसको मैंने जीरो माना है, इसको मैंने एल माना है, तो स्टार ही यहां पे बनेगा. मतलब जो अगर कांच के पास है वो कांच के पास बनेगा, जो कांच के दूर है
एल यहाँ पे है, तो एल का ये वाला हिस्सा ऐसे दिख रहा है ना, तो आपको ऐसी तो दिखेगी फोटो इसकी, एल की फोटो ऐसी तो दिखेगी। तो आपको बस कॉमन सेंस लगा के चलना है कि बिल्कुल एज इट इज नहीं, इसकी फोटो बनानी है। तो ये वाला हिस्सा पहले है तो ये वाला हिस्सा पहले आ जाएगा, मतलब ये वाली लाइन पहले, ये वाली आ गई, ये वाली पहले तो ये आ गई, इसके बाद इसका एज इट इज बन जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल देने के तौर पर बता रहा हूं कि सेम लेंथ पे इमेज बनेगी सारी। ठीक है, सबके आंसर आ चुके हैं, मैं भी इसका सॉल्यूशन कर लेता हूं आपके साथ में, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं समझा दूंगा। बाकी बहुत आसान चीजें हैं, फ्री के टू मार्क्स हैं, फ्री के टू मार्क्स हैं। एफबी पे आपका डेटा में प्रॉब्लम होगी, बाकी इमेज तो क्लियर है, बड़ा कर दें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये, एक मिरर है, मिरर है, और आपके सामने ये ऐसे दे रखा है ना, और एक ये ऐसे दे रखा है। तो दोस्तों साफ बात है, इसमें कम गैप है, इसमें ऐसी लाइंस हैं जैसा दिख रहा है, और इसमें ऐसे लाइंस हैं। तो मुझे पता है कि ये पास में है ना, तो मुझे ऐसे बनाना है, इसकी फोटो मैंने ऐसे बना दी। क्यों? क्योंकि ये इसका ये कोना पास में है, तो ये इसका भी कोना पास में होगा, इस वाले की फोटो ऐसी तो बनेगी, तो मैंने इसकी फोटो ऐसे बना दी। ऑप्शन में देख लीजिए कि किस किस में फोटो ऐसे दे रखी है। तो देखिए ए तो गलत हो गया, क्योंकि ए में ऐसी लाइंस नहीं है। ठीक है, बी में क्या हो रहा है कि ये तो आ रहा है लेकिन इसकी फोटो ऐसे है ना, तो इसकी फोटो ऐसे ही बनेगी इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बी हमारे पास जो एक ये है ना इमेज में सीधा सा दे रखा है, हमें सीधा दे रखा है, लेकिन बी में क्या कर रखा है, तिरछा कर रखा है, थोड़ा देखिए तिरछा कर रखा है, तो तिरछा वाला गलत हो जाएगा, सीधा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन थ्री। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन थ्री आ जाएगा, इमेज क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को शुरू किया जाए, फटाफट से और आंसर दीजिए आप, खूब सारी प्रैक्टिस करिए जिससे कि टेंशन ही ना लेनी पड़े, प्रैक्टिस भी मैं करा रहा हूं आपको साथ के साथ में। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, चलिए इसका आंसर दे दीजिए मुझे। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है यार, और आज मैं ट्रिक बताऊंगा नेशनल पार्क की। आज की ट्रिक है ये ना, टुडेज ट्रिक। तो नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे, सबको पता होना चाहिए, तो लोग जुड़े रहें। ठीक है, हाँ समझ में आ गया, आंसर भी आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर थ्री। थ्री ज्योति गुप्ता जी चेक करें, लगा 1 2 3 आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, बिल्कुल आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, आपको बस पास में जो है वो बनाना है। देखिए कैसे, ये मिरर दे रखा है मेरे सामने, ये मिरर दे रखा है, ये है ना पेन चलाने के नहीं है, ये तो मैं आपको करके बता रहा हूं। देखिएगा, अब आपको पता है कि ये एक पॉइंट है, इसमें इस तरीके का यहां पे आ रहा है, और उसको इस तरीके से मोड़ा गया है, और ऐसे किया गया है, और इसको बाहर की तरफ निकाला गया है। ठीक है, तो अब इसकी फोटो कैसे बनेगी, ये यहां पे है तो इसका ये यहां पे बनेगा, ये ऐसे कुंदा है तो इसका ऐसे बनेगा कांच में, ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे इधर की तरफ जा रही है तो ये इधर की तरफ चला जाएगा, ये नीचे की तरफ जा रही है तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, और ये बाहर की तरफ जा रहा है तो ये भी हमारा बाहर की तरफ ही जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा, ये एक पोर्शन मैंने बनाया है। दूसरा पोर्शन क्या कह रहा है, ये ऐसे है इस तरीके से, फिर इसके बाद हमें बताया गया है कि ऐसे करना है, हमें ऐसे कर दिया मैंने, इसके बाद ऐसे करके ऐसे कर दो। अब क्या करना है इसमें, अब आपको ये हिस्सा जो कुंदा है इसके फेस की तरफ बनाना है, यही तो बात है। लॉजिक क्या है कि आपको ये जो ये सेम दे रखा है, इसकी फोटो तो एज इट इज बन गई, ये जो है ना इन चीजों से समझ के चलना है आपको। ऑप्शन नंबर थ्री, कंफ्यूजन होता है इन चीजों में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूं, प्रैक्टिस सारी यहीं की यहीं हो जाएगी। तो देखिएगा, लॉजिकल बात है कि ये चंद्रबिंदी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी बनेगी, तो बनेगी भाई, पहले में बन जाएगी, तो मैंने एज इट इज ऐसे बना दिया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर वन में भी है, ऑप्शन नंबर टू में भी है, थ्री में भी है, फोर में नहीं है, तो फोर तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, एक चंद्रबिंदी से ही, जो ये हमारे पास ये साइन दे रखा है, इस सिंबल से ही कट गया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हमारे पास मिरर इमेज है ये किसकी हो जाएगी, ये इस तरीके से आपको शो की गई है, देखिए ये ऐसे आ जाएगा और ऐसे चल के ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन ऐसे आ गया, इसके बाद ये पोर्शन ऐसे आ जाएगा, क्योंकि हमें इस तरीके से तो फोटो बनानी है इसकी, तो बन गया ना। तो अब आप चेक करिए कौन सा आंसर आ रहा है, इसमें ये पोर्शन यहां पे ऐसा है तो इस तरफ कैसा बनेगा, इस तरफ ऐसे बनेगा, तो मतलब एक दूसरे के फेस ऐसे बनेंगे। ठीक है, आंख ऐसी दिख रही है तो ये भी ऐसे दिखेगा ना। तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी में अभी तक ऐसा हो रहा है और थ्री में भी हो रहा है। नीचे में देखते हैं, नीचे में ऐसा है इसमें,
इस वाली रियल इमेज में ऐसा है ना, तो यहाँ पे दूर वाली में भाई ये इमेज से दूर है ना, कांच से दूर है, तो दूर वाली में ऐसे बनेगा। तो देखिए कौन से वाला आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाएगा। एक एक चीज समझा रहा हूं लेकिन समझाने का कुछ है नहीं इसमें। हाँ 3 होगा ना दोस्त, 3 होगा, क्योंकि अब आगे देखिए ये जो फोर्थ वाला है उसमें ऐसे दे रखा है, अब इसका ऐसे बनेगा, तो ये किस में है, 3 में तो है, 3 आएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन दिखाया जाए। अगला क्वेश्चन शो किया गया है, अगला क्वेश्चन शो कर दिया गया है आपको। हाँ एक बार फिर से बता देंगे, अंकिता जी इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को बता दूंगा, चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, आपको बस फोटो बनानी है, इमेज बनानी है मिरर में, और मिरर में आपको पता है जैसे कि आप देखोगे वैसे ही दिखेगा, है ना। हाँ तो देखिए जो लोग जुड़े हैं ना लाइक करें, लाइक जरूर करें, जिससे क्या कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊं और मुझे मजा आए ट्रिक बताने में भी, आपको नेशनल पार्क की ट्रिक बताऊंगा आज, तो लाइक जरूर करें। जितने लोग बहुत कम लाइक आए अभी तक, लाइक अभी तक किसी ने नहीं किया शायद। आंसर आ चुके हैं मेरे पास, वेरी गुड, सीमा का भी आंसर आ चुका है 113। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तरीके से मिरर लगा हुआ है ना, इस तरीके से मिरर है और ये आपके सामने ट्रायंगल है, तो सीधी सी बात है आप पहले आप ट्रायंगल है तो ट्रायंगल यहां बनेगा बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल ऐसी आकृति है जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो सेम टू सेम ऐसी की ऐसी बनेगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये छोटा ट्रायंगल ऊपर की तरफ है तो छोटा ट्रायंगल यहां पे बनेगा, भाई जो कांच के पास है वो कांच के पास बनेगा ही बनेगा इमेज में, ये नहीं है कि ये यहां पे है तो ये यहां पे चला जाएगा, ऐसे नहीं होता, ये पास में है ना कांच के, तो ये भी कांच के पास में ही रहेगा फोटो में भी, ठीक है। चलिए तो अब ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन में भाई ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, आंसर हमारा ये है, तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, फोटो में इमेज पास में होनी चाहिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, ऑप्शन 2 तो ऐसे ही गलत हो गया, सिर्फ इससे ट्रायंगल का ट्रायंगल पास बनेगा छोटा वाला, तो ऑप्शन 2 में तो दूर बना रखा है, और ऑप्शन 4 भी गलत हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन ऑप्शन किस किस की बात है, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड की, भाई 2 और 4 तो गलत हो गए अपने इस ट्रायंगल से ही, और मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसको क्योंकि बहुत आसान है, कंसेप्ट समझिए बस, एक नीचे ट्रायंगल है आपके सामने, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये सर्किल दे रखा है, और हाँ अब आपको पता है ये गोला है ना, गोला गोला यहां पे है, अपोजिट साइड है, तो इसमें भी दूर बनेगा, तो देखिए सिर्फ ऑप्शन 1 आएगा इसका आंसर, सॉरी हाँ जी ऑप्शन 1 इसका आंसर आएगा, सही है ऑप्शन 1 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि गोला एक साथ में थोड़ी ना है, तो ऑप्शन 3 में जो हमारे पास 2 और 4 तो कट ही गए थे, 3 में हमारे पास क्या दे रखा था, यहीं के ही पटक दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये दूर है तो ये भी दूर होगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ मेरे साइड क्लियरिटी कम है क्योंकि मिटाने में थोड़ी दिक्कत है, वो कोई दिक्कत नहीं है, सब मैं कोशिश कर रहा है। और अगला क्वेश्चन आपको शो किया जाए, ऑप्शन नंबर 1 सबका आंसर आ चुका है, दिलीप का भी, प्रीत का भी, सबका आंसर आ चुका है, थर्ड भी गलत हो गया ना, थर्ड गलत हो गया क्योंकि एक साइड में दे दिया डायरेक्ट, तो आप बिना देखे करिए इनको, 2 मार्क्स फ्री के, 2 मार्क्स हैं फ्री के, 2 मार्क्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन शो हो गया है, आंसर दीजिए मुझे अगले क्वेश्चन का, आसान है जल्दी से दीजिए। लाइक जरूर करना दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ाना और भी, देखिए आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊंगा, अभी तो सिलेबस खत्म करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। सबका आंसर आ गया, वेरी गुड, देखिए किस किस का आंसर आ गया, मैं देख चेक करता हूं एक बार, खुशबू का आंसर आ चुका है, अश्विनी का आंसर आ चुका है, पूजा विकास गुप्ता, गुप्ता ज्योति, बिल्कुल एक एक लगातार सबका आंसर है। हाँ अगेन सिर्फ एक कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मिरर है, कांच में फोटो बनानी है, तो एक पाइप ऐसे दे रखी है और इसका मुंह ऐसे बंद है, तो इसको आपको भाई इसका ये कांच के पास है ना, तो आपको बंद भी ऐसे करना है, भाई इसकी फोटो ऐसी तो बनेगी, और पाइप को मैंने पाइप की तरह बना दिया। अब क्या बोला है, इसको ऐसे किया है तो आपने ऐसे करना है, और इसको मोटा मतलब गोलाई पे बंद करना है, तो इसी तरीके से यहां पे भी ऐसे किया मैंने, और इसको मैंने गोलाई पे बंद कर दिया, तो ऑप्शन देखिए फोटो ऐसी बन रही है ना अभी तक, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया,
ऑप्शन नंबर टू गलत हो गया क्योंकि उसने ऐसे बना दिया, उल्टा बना दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, बस इस डायग्राम को समझते ही कट जाएंगे। देखिए ये इसकी ऐसे बनेगी फोटो। ठीक है, तो आपने देखा ऑप्शन नंबर टू गलत हो गया और ऑप्शन नंबर फोर भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर फोर भी गलत हो गया। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, पहले ही बता देता हूं आपको, है ना। अब आपको पता है ट्रायंगल का मुंह ऐसे है और इसके पास में है, तो आपको ऐसे ही बनाना है और इसके पास में बनाना है, मुंह एक दूसरे के एक तरफ हो जाएंगे। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर वन और थ्री में से हमें छांटना है। तो देखिए ट्रायंगल, देखिए थ्री तो हो ही नहीं सकता, वन ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर वन आंसर आ जाएगा आराम से, ऑप्शन वन आंसर आ जाएगा, थ्री तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं कौन सी एक और ट्रायंगल कहां से लेके आ गए, गलत हो गया वो। तो ऑप्शन नंबर आंसर वन आ जाएगा, तो फ्री के दो मार्क्स है ना दोस्तों, ऐसे हैं। और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे आगे क्वेश्चंस भी, है ना, लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल, अगर नए स्टूडेंट्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि आप लेट हो चुके हैं, हमने बहुत सारी क्लासेस कवर की हैं। आज हमारी लगभग 29th नंबर की क्लास है, देखिए 29th नंबर की क्लास है आज हमारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शो किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाया जाए और खूब सारी प्रैक्टिस कर लेना, मैं बता रहा हूं ना, प्रैक्टिस करवाता रहूंगा साथ के साथ, जिससे दिक्कत नहीं आएगी आपको। यूपी की भी रीजनिंग बताऊंगा जल्दी से जल्दी। पांचवा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खेत में आदमी खड़ा कर दिया है, ऐसे खड़े करते थे ना खेत में, पक्षी नहीं आए या फिर कोई जानवर नहीं आए, तो इस तरीके से एक ऐसे गया है, तो आपको फोटो भी ऐसी बनानी है इसकी। ठीक है, नीचे जाके एक इस तरीके से किया है, तो नीचे जाके इस तरीके से कर दीजिए। ठीक है, अब आगे ये किया है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन है। तो आपको पता है ये हिस्सा इसके पास है ना, तो आपको ये हिस्सा भी इसके पास लेना है, ये हिस्सा भी इसके पास ले लिया, इसको ऐसे लेके गए। आपको पता है गोला नीचे की तरफ लटका हुआ है इसके, तो नीचे की तरफ ऐसे कर दिया मैंने, और ये ऊपर की तरफ है तो इसको ऊपर की तरफ कर दिया। तो अब देखिए कौन सी फोटो मिल रही है इस भैया की, हमारे शायद ऑप्शन नंबर वन मिल रहा है क्या? हाँ सर, सबका आंसर वन आ गया, मेरा भी आंसर वन ही आ रहा था बिल्कुल। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर वन ही आएगा। देखिए गलती हो जाती है अगर अपना ऑप्शन फोर दे देते हैं तो, क्यों? कि कोई सोचता है ऐसे बना दूं इसका मुंह, तो देखिए ऑप्शन फोर में गड़बड़ है ना, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है ना, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन शो किया जाए, क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर दें फटाफट फटाफट से दोस्तों, आंसर दें, खूब सारी प्रैक्टिस करिए आप यहीं पे ही, जिससे कि आपका कभी भी अटके नहीं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने एसएससी के सारे क्वेश्चन भी कवर कर लिए लगभग, और प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। मिटाने में ज्यादा ध्यान है मेरा, है ना, वो क्वेश्चन समझा रहा था फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इस तरीके से एक मिरर है, ठीक है, और ये इस तरीके से बनाया गया है, और एक कुछ इस तरीके से बनाया गया है, एक दो, ठीक है बिल्कुल सही बना है। ठीक है, अब आपको फोटो बनानी है, अब आपको फोटो बनानी है, तो आंसर मेरे पास भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए कैसे बनानी है, ऐसे ही है ना मेरे पास कुछ, तो मुझे पता है कि ये लाइन पहले है मिरर की, तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया। ठीक है, अब ये हिस्से है ना, इसको इस तरीके से बनाया, और ये जेड की जो लाइन है ऐसे चल रही है ऐसे, ठीक है, और ये हिस्सा इस तरीके से दिखेगा मुझे, तो मुझे पता है कि ये कैसे आएगा, ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे भी ऐसे चलेगा ये, ठीक है, और ये लाइन ऐसे चल रही है तो यहाँ पे ऐसे चलेगी, तो फोटो बन गई ना सेम, इसकी फोटो बना दी ना मैंने सेम। आपको इस तरीके से इसमें भी यही करना है। तो देखिए पहला, देखिए पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, और तीसरा देखिए, तीसरा भी गलत हो गया ऐसे ही, क्योंकि नीचे वाले की हालत देखिए तीसरे में क्या कर रखी है उसने, उसने अपने ऑप्शन देखिए, फोकस करिए ऑप्शन पे कि तीसरे वाले की हालत क्या कर रखी है, तीसरा भी गलत हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या किया है इसने, एज इट इज ये चीजें रखी हैं, ऑप्शन देखिए फोर्थ आ रहा है मेरे पास आंसर सबका, है ना, तुक्के मत मारिए बिल्कुल भी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए फोर्थ इसमें और सेकेंड और फोर्थ में अंतर क्या है, सेकेंड और फोर्थ में अंतर क्या है, ये देखिए पहले, पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया।
अब आपको पता है ये जेड का मुंह है, बाहर की तरफ है, इसने अंदर की तरफ दे रखा है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, है ना? सही है चार, मैंने कब बोला सार, चार सही है, मैंने कब बोला गलत है? टू नहीं होगा, चार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दिया जाए। बिल्कुल संजेश जी, संजेश जी का आंसर सही है, चार चार सबका आंसर आ गया है। सेकंड में माउथ आउट है ना, सेकंड में इधर की तरफ मुंह फेस कर रखा है, इसने बाहर की तरफ है, जेड का फेस बड़ी लाइन बाहर की तरफ है, ठीक है ना? फोर्थ में चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, सेवेंथ क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए फटाफट से सेवेंथ क्वेश्चन का। नीरज कुमार जी, पेपर का एग्जाम ऑनलाइन होता है ना? अब ऑनलाइन है, पेपर में ड्रॉ करोगे, इससे अच्छा तो ऑरली दो ना आंसर। ऑरली कैसे? अब सेवेंथ देखिए, सेवेंथ में मुझे पता है कि जो ये गोला बना नहीं रहा हूं, आप खुद सोचिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे होता है, आपका सेंस डेवलप हो गया, फिर आप खुद करेंगे ट्रिक से, ठीक है ना? तो देखिए, मैं ऑरली करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है सेवेंथ। क्या है कि तीर का निशान है ना पहले रहेगा, क्योंकि मिरर के पास है ना तीर पहले, तो तीर का निशान खाली वाले का, भरे वाले का दूर रहेगा। तो देखिए, खाली वाले का पहला सही हो सकता है, सेकंड गलत हो गया हमारा, क्योंकि तीर के निशान से गलत कर सकते हो आप खुद ही, तो सेकंड गलत हो गया। सबके आंसर भी आ गए, वेरी गुड, ठीक है। तो सेकंड हमारा ऑप्शन गलत हो गया और हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही गलत हो गए, ऑरली हो रहे हैं क्वेश्चन। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है दोस्त, पहले समझाने के लिए चला रहा था, अब नहीं चलाएंगे, प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। तो अब देखिए, अब वन और तीन में लड़ाई है, वन और तीन में क्या लड़ाई हो सकती है? तीर वाली लड़ाई तो खत्म हो गई। अब आपको पता है जो ऊपर वाला गोला है उसका ये डार्क वाला हिस्सा है ना, ऐसे है, मतलब ये गोला है और डार्क वाला हिस्सा पहले आ रहा है, तो उसी तरीके से आपको इस तरीके को इसको मैनेज करना है। देखिए हाँ, तो अब आपको पता चल चुका है, जब इधर की तरफ है तो इमेज इधर की तरफ बनेगी, ऑप्शन नंबर वन आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर वन आंसर आ जाएगा। फोर तो हो ही नहीं सकता दोस्त, फोर हो ही नहीं सकता आंसर इसका, क्यों? क्योंकि तीर देखिए आप, जो आपकी तीर है, एक एक इमेज को, एक एक चीज को फॉलो करना है। तीर यहां पे खाली है क्वेश्चन में और यहां पे भरी हुई है, ठीक है। और कांच कहां लगाया है आपका? कांच यहां पे लगाया है इसने, तो आपका खाली वाली तीर यहां पे आएगी और भरी वाली पीछे जाएगी, तो फोर्थ में तो दोनों भरी हुई दिखा रखी है आपको, तो फोर्थ तो ऐसे ही गलत हो गया, सेकंड और फोर्थ तो, है ना? तो बस इस तरीके से आपका वन आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। हाँ, सब कुछ बताऊंगा, सिलोगिज्म का मैंने पढ़ा दिया है, पता है आपको, सारे क्लासेस में ले चुका हूं, आपको पता ही नहीं है, आप लेट आए हुए हैं सब, है ना? किसी को पता नहीं है, मैंने सिलोगिज्म भी खत्म करा दिया, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो सब खत्म करा दिए, अब कुछ ही टॉपिक बचे हैं, प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर एट। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर एट करिए फटाफट से, ऑरली करिए दिमाग से, बिल्कुल पेन और पेपर का यूज मत करिए। देखिए मैं आपको करना सिखाता हूं, आपको पता है ये जो लाइन दे रखी है क्वेश्चन नंबर एट में कांच के पास वाली, तो वहां भी ऑप्शन में आंसर यही आएगी, ठीक है। तो मैंने देखा आ गई, ये जो बिंदी वाली है बीच में, जो बीच में ये डायगोनल दे रखा है, ऐसे दे रखा है ना, तो फोटो में कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा भाई, कांच के पास ये पहले है तो ये पहले आ जाएगा और ये बिंदी आ जाएगी, तो ऐसे बनेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ रहा है ना, आठ का बी, आठ का बी, बिल्कुल। चलिए सबका आंसर आया, किस किस का आंसर आया? लक्ष्मी का आंसर आ गया, सुग्रीव, हाँ सुग्रीव बोल दिया मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आठवें का बी, बेलल राजा का आंसर आ चुका है, और फेसबुक से नीरज कुमार चौधरी का भी आंसर आ चुका है, बिल्कुल सबका आंसर आ गया बी। चलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, चीजें क्लियर हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है साथ के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन, नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने है। एक घर बनाया हुआ है प्यारा सा, इसका इमेज बनाना है, तो देखिए बहुत आसान है, बस आपको चीजें समझनी है। जब अगर इमेज, जब ये कांच ऐसे है, बस आपको चीजें क्लियर करिए, ऑरली कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे ऑरली? देखिए आपको पता है ये जो घर का ये साइड वाला पोर्शन है ना, इसमें एक छेद है, तो पहले देखिए ये वाला होल कहाँ पे है, चारों में है, तो यहां से अलग नहीं कर सकते। इसके बाद आपको पता है ये झोंपड़ी का हिस्सा ऐसे जा रहा है, तो आपको इमेज में आंसर में ऐसे बनाना है और झोंपड़ी का हिस्सा ऐसे ले जाना है। तो ये देखिए पीछे अंदर वाले हिस्से से है ना, तो अंदर वाले हिस्से से ले जाइए, ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद क्या किया है,
बाहर निकाला है इसने, बाहर निकाला है क्वेश्चन में, बाहर निकाला है तो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसी तरीके से आपको भी बाहर ही निकालना है। तो इस तरीके से मैंने लाइन खींच दी है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, इसको भाई साहब बंद कर दीजिए, नीचे से अड़ा दीजिए इसको, ठीक है। और इसके बाद ये बाहर है और ऐसे अंदर है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने इसको भी बंद कर दिया और इसका एक रो खींचा इसका, और ये मतलब ये बाहर की तरफ था ना, तो यहाँ भी बाहर की तरफ है, तो ऐसे बन जाएगी फोटो। देखिए क्या दिक्कत है इसमें, ऑप्शन नंबर देखिए बी आ गया इसका भी आंसर तब का, वेरी गुड। चीजें क्लियर है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाइन्थ का भी बी आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, प्रैक्टिस भी हो रही है ना साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो रही है ना दोस्तों, सब चीज क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए मेरे को। बिल्कुल, डिंपल जी का भी आंसर बी आया है, हेमंत का भी आंसर बी आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, लाइक जरूर करें, लाइक जरूर कर लें जिससे कि अगला टॉपिक भी आए आपको पता लगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ के साथ, है ना, जो लोग नए जुड़ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल, अमित कुमार जी कह रहे हैं नो डाउट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 शो हो गया है, इसका आंसर दीजिए। दसवीं का डी आंसर आ चुका है बेला राजा का मेरे पास, भूपेंद्र का भी आंसर आ चुका है, विवेक का आंसर आ चुका है, बहुत सबके आंसर आ चुके हैं। चलिए डी आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं क्या है, उसी तरीके से है। अब ई है ना आपका, तो ई आपका कैसे बनेगा, इमेज के पास मिरर के पास कैसे है ई ऐसे है, तो आपको ऐसे ही बनाना है भाई, पीछे वाली लाइन इसकी पीछे, भाई पीछे वाली लाइन मिरर के पास है ना, तो पीछे वाली लाइन को मिरर के पास करो, इस तरीके से ई बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखो आपके कि ई के भाई साहब ये तो बन गए। अब आपको पता है आपका यहां पे क्वेश्चन वाली इमेज में तीर कैसे जा रहा है, ऐसे चल रहा है ना, तो आंसर में कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। छोटी छोटी चीजें पकड़ो, ऑप्शन ऐसे कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, अपने आप ही हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, ई तो सब में कॉमन है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन मार्क को, क्वेश्चन मार्क कैसे है यहां पे, ऐसे है, तो क्वेश्चन मार्क की फोटो कैसे बनेगी, दूर है तो दूर की तरफ ऐसे बनेगी, दूर की तरफ ऐसे बनेगी, तो दूर कहां पे है देखिए, सीधा बनेगा ऐसे। तो मैं देखूंगा कि ऑप्शन नंबर हमारे पास डी आ गया ऑप्शन, हाँ शायद ऑप्शन रॉन्ग है। डी में जो ये दे रखा है ना इस तरीके से, एक ये देखिए ये क्लॉकवाइज दे रखा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, तो इसको भी यहाँ पे इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और डी में क्या दे रखा है, उसने इसी तरीके से दे रखा है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर होगा, सिर्फ करेक्शन क्या कर लो, ये कर लो बस उसको, ठीक है ना, इस तरीके से कर लो, तब तो डी हो जाएगा ना, अब ठीक है। हाँ, ऑप्शन में गड़बड़ दे रखी थी, ऑप्शन में जो एसएससी में पूछा गया था, तो एसएससी के ऑप्शन में गड़बड़ दे रखी थी, तो हमने इसको सही कर लिया, बोनस हो गया होगा, क्या फर्क पड़ता है, आपका सही होना चाहिए। ए सही नहीं है दोस्त, मुझसे कौन कह रहा है, हाँ जिग्नेश जाखड़ जी कह रहे हैं ए सही है, ए कैसे सही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क को देखिए, क्वेश्चन मार्क की फोटो तो ऐसी बनेगी ना, और इसमें सीधा सीधा बना रखा है ऐसे ही, एज इट इज बना रखा है, तो गलत हो गया ए गलत हो जाएगा। डी रॉन्ग है, लेकिन डी को सही कर लो, ऑप्शन डी आएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, अब लेट हो गए ना जो स्टूडेंट्स, वो दोबारा देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर करके चले हैं अपन, है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें। और मजा आ रहा हो ना तो लाइक जरूर करें, क्योंकि फिर देखिए लाइक बहुत कम है, इतने सारे लोग हैं, और हाँ सभी गलत थे ऑप्शन, और किसी ने मुझसे बोला भी था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिए 11 का।
11 का किसका क्वेश्चन है? फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है। किसका है? फिगर को कंप्लीट करना है ना। आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि फिगर कंप्लीशन में जो भी चीजें होती है ना, जैसे इस तरीके से बनाया गया है इसमें, है ना, इस तरीके से बनाया गया है, यहां कोई भी आकृति हो, यहां कोई भी आकृति हो, आपको इस वाली आकृति से मतलब है जो इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसकी फोटो यहां बना दो, इसकी फोटो यहां बनेगी तो कैसे बनेगी देखिएगा, देखिए कैसे बनेगी। आपको खाली लेना है, खाली बॉक्स लेना है पहली बात तो इसकी फोटो देखिए, खाली बॉक्स लेना है तो खाली बॉक्स में ऑप्शन नंबर बी और सी तो आपके गलत हो जाएंगे, ऐसे ही फ्री में गलत हो गए। सामने आपको एक तीर भी लेना है पीछे की तरफ, क्योंकि नीचे वाले में दे रखा है ना, तीर भी दे रखा है और खाली बॉक्स भी दे रखा है, तो ऐसे कैसे फोटो बनानी है आपको, ठीक है। तो तीर भी दे रखा है तो मैंने तीर भी बना दिया, तो मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है बताइए, डी आ रहा है ना सबका। चलिए 11 का डी आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बस फोटो बनानी है सेम। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता दोस्त, क्योंकि बीच में दे रखे हैं डबल लाइन, उसमें तो नीचे है ना कोने में, तो ऑप्शन नंबर बीच में कैसे हो जाएगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए थे हमारे, सिर्फ बचा कौन था, ए और डी बचा था। ए क्यों कटेगा, क्योंकि देखिए बड़ी वाले इक्वल दे रखे हैं, ए में मतलब हमारा आंसर में ए में बड़ा वाला दे रखा है ना, तो आंसर हो ही नहीं सकता, हमें छोटे वाले इक्वल की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें आपने बाल भास्कर वास्कर पढ़ी होगी बचपन में, ऐसे गेम आते थे कि फोटो देखना है आपको, वो ढूंढना है, ऐसी चीजें वही हैं, सब चीजें है ना, कॉमन है, रीजनिंग है, दिमाग को चेक करती है कि आप कितने पेशेंस से रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मिरर इमेज कुछ भी नहीं है, एक रो ऐसे है तो इसको ऐसे लेना है और पीछे की तरफ एच है ना, तो ऐसे बनाना है, ऐसे और पीछे एच। तो देखिए किस किस में है, ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया, इसी चीज से ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। इसके बाद देखिए ये उसके ऊपर एक इस तरीके से दे रखा है साइन, तो इसकी फोटो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी क्योंकि यहां मिरर लगा हुआ है, तो इसकी तरफ फोटो होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो चुका है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो चुका है। अब ए और सी में लड़ाई है, ए और सी में लड़ाई है, तो लड़ाई को खत्म करते हैं, यहां पे ये ऐसे, यहां पे ऐसे है, तो यहां पे ऐसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा इसका, सी बी भी गलत हो गया। बी है क्या, बी लॉक करें क्या, चलिए बी देखते हैं, इसमें क्या है बी में, देखिए इसका ऐसे है तो इसका ऐसे बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी और डी गलत हो गए। हाँ ए और बी में से था ना, ए और बी में से था, तो बी में ऐसे ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसके बाद ये आपके सामने एक ऐसा दे रखा है और यहां पे एक गोला है, तो गोला दूर बनेगा, ये वाला होल दूर बनेगा और ऐसे बनेगा, तो कौन से ऑप्शन में है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी सही हो गया, ए गलत हो गया, क्योंकि ए में देखिए ये नहीं बन रहा था, ए में हमारा ये नहीं बन रहा था, ठीक है। चलिए बी आंसर आ जाएगा इसका, बी आएगा। बी आंसर आ जाएगा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसानी से कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं, बनाने में ज्योमेट्री में टाइम लगता है, उल्टा आप स्क्रीन पे देखिए, अपनी पे कॉपी पेन रख दीजिए, देखिए फिगर कंप्लीट करना है तो सामने वाले की फोटो कॉपी करिए बिल्कुल। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देना है ना। आंसर आ रहा है मेरे पास लगातार, बी आ रहा है किसी का, बी इज करेक्ट, ओके बी इज करेक्ट, यस 13 का आंसर। देखिए 13 में ये सिर्फ आपको कौन सा पार्ट उठाना है, सामने वाला उठाना है, ऐसे है इस तरीके से है ना बॉक्स, और आपके सामने ये इस तरीके से विभाजित किया गया है, और यहां पे आपको इस तरीके से किया गया है, और बनाया क्या गया है इसमें,
एक ऐसे लाइन ली गई है जो कि इससे मिलाई गई है, तो आपको ये लाइन पूरी की पूरी कर देनी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आपको एक इस तरीके से इस ऐसे मिला दिया और इससे ऐसे मिला दिया, ये काम किया गया है इस वाले में, तो आपको यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। तो आपको क्या करना है, जो आप अभी आपको पता है इस वाले पे मिलाया गया है इस वाले पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट इस वाले बॉक्स का कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो आपको ऐसे ही तो मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन देखिए आप, और ये बीच में कट नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि एक एक चीज़ का फर्क पड़ता है। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का, डी 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 आंसर आएगा ना दोस्तों, या ए आएगा या बी आएगा, बताइए, बी आंसर आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको फिगर कंप्लीट करना है, ठीक है ना, आपको फिगर कंप्लीट करना है। लाइव लाइव के कम दिख में रहा है, क्या कह रहे हैं, बी आंसर आएगा इसका। चीजें समझना, इसलिए बार बार मैं इन चीजों को क्लियर कर रहा हूं आपको कि चीजें समझो। आपसे मैंने बोला कि सामने वाले का कर दीजिए बस, आपसे मैंने क्या बोला, सामने वाले का कर दीजिए बस, लेकिन क्या फिगर कंप्लीट हो रहा है उससे, ये चेक किया आप लोगों ने, नहीं किया, आपने डी आंसर दे दिया, ठीक है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए दोस्तों, मैं आपको सशक्त बनाना चाहता हूं इस तरीके से कि आप क्वेश्चन खुद कर पाए, है ना। तो बी आंसर आएगा इसका, कैसे आएगा ये समझिए, सीधी सी बात है, आंसर मेरे को पता है लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के गलत करता हूं, क्यों, क्योंकि आपकी देखता हूं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है और आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, इस तरीके से एक स्टार बन रहा है, देखिए यहां पे किया और एक आपको इस तरीके से इस बन रहा है, आपको ये कंप्लीट करना है पूरा, ये कंप्लीट करने के लिए आपको जानबूझ के इस तरीके से बनाना पड़ेगा ये वाला हिस्सा, क्योंकि आपको पता है इस तरीके से बन रहा है पूरा स्टार, है ना, तो इस तरीके से कुछ बन रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी, नहीं आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसका सही आंसर। है ना, इजीली कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाया जाए, दोस्तों लाइक नहीं कर रहे हो क्या, लाइक करो यार, देखो लाइक कितने कम हैं आज, बिल्कुल। मनीषा कुमारी जी, मैंने डी दिया आंसर, क्यों दिया पता है, मुझे पता था बी आंसर है, लेकिन पेशेंस आपका गलती चेक करने के लिए, क्योंकि अगर हम इवेल्युएट नहीं करेंगे ना खुद को तो गलत कर जाएंगे। मैंने डी दिया, आपने भी डी दिया, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए था अपने ऊपर, और ये मैं चाहता हूं हर एक बच्चे में जो यहां पे है, कॉन्फिडेंस, ठीक है। मेरे पास तो आंसर थे ना, मेरे से गलत कैसे हो सकता है बताइए, आंसर मेरे पास थे और मैं बी क्यों, अगर मेरे बी आंसर है तो मैं डी क्यों दूंगा ये बताइए मेरे को। अभी चंचल जी कह रही हैं कि आंसर था सर आपके पास, आंसर आपने जानबूझ के गलत दिया। चलिए आंसर आ चुका है, मिरर इमेज बनानी है। अब मिरर पहले तो ऐसे लगे हुए थे, है ना, अब ऐसे कर दिया तो कुछ नहीं है, वही उसी तरीके से आंसर देना है इसका। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से लाइन है, मिरर ऐसे है, मिरर ऐसे है, इस तरीके से लाइन है, तो ये वाली लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए बी और सी को, ऑप्शन नंबर बी और सी को चेक करते हैं, ठीक है। बी और सी में से चेक करना है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको कि बिंदु कहां पे है, इसके ऊपर है तो देखिए, और बी में बिंदु भी कहां है, बिंदु इसके ऊपर है तो यहां पे भी होगा, इसके बाहर की तरफ, मतलब इसके बाहर की तरफ है तो इसके भी बाहर की तरफ होगा। तो मैंने मुझे बी और सी चेक करना है, बी और सी चेक करना है, तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका, क्योंकि बाहर की तरफ चेक करना है मेरे को, है ना। सी बी आंसर आ रहे हैं, इसको चेक करते हैं, चलिए क्या है इसके अंदर दिक्कत, मिरर इमेज है, ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी पूरी। तो आपको पता है कि ये गोला ऐसे है और इस तरीके से ऐसे बनाया गया है और इसको ऐसे लिया गया है, तो इसको ऐसे लिया गया है, तो मुझे भी इस तरीके से आपको एक गोला बनाना है और इसको ऐसे लेना है, बस इतना सा काम है। तो अब देखिए आपको आंसर कौन सा मिल रहा है इसमें, ये आंसर है इसका, मुझे तो ऑप्शन नंबर बी ही लग रहा है,
ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा इसका सर। ठीक है, ए नहीं आ सकता क्योंकि आपको पता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया तो सीखने को मिल रहा है। ये चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है, आप दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस है ना तो आप बिना देखे कर सकते हैं इनको, बिना देखे तो करना, देखने तो पड़ेगा लेकिन आप वैसे ही कर सकते हैं इनको बिना पेन चलाए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है इसका, बताइए मुझे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, बी आंसर आ रहा है सबका, चेक कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। अब मैंने क्या कहा था कि अब इसमें क्या करना है, फिगर कंप्लीट करना है, तो इस तरीके से गोला चल रहा है आधा, इस तरीके से गोला चल रहा है ना, और ये वाला पार्ट ही तो आपका काटा है, तो इसने ये वाला पार्ट आपका गायब कर दिया, तो आपको ये वाला पार्ट पूरा करना है। इसके बाद क्या बोला है, ऐसे लाइन है तो इस तरीके से लाइन बना दो, ठीक है, और ये दो ऐसे दे रखे हैं तो इस तरीके से ये बना दो, तो ये वाला पार्ट ये आ जाएगा इसका आंसर बस। ठीक है, तो देखिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी। यार बी ने तो मजे कर दिए ना, बी बी सारे आंसर बी आ रहे हैं। मैंने एक बार कोशिश भी की थी, चंचल कह रही थी कि आपने गलत दे दिया आंसर, चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं आप, है ना। ऑप्शन कहां गलत है भाई, ऑप्शन बी बी आंसर आ जाएगा ना इसका, क्या दिक्कत है बताओ, इसकी फोटो ऐसे बनानी है आपको बस। चलिए, गोले के बीच में लाइन है, हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन नहीं है, सही है, गोले के बीच में लाइन नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आएगा। यार वैसे भी ऑप्शन में गड़बड़ है, देखिए ऑप्शन ही गड़बड़ है, जो जो कटिंग हुई है जहाँ से उसमें ही गड़बड़ है, ऑप्शन तो होगा ना, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत है नहीं। कौन सा पहाड़ टूट गया यार, ये तो लॉजिकल चीजें हैं, डायग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है ये बनेगा, बाकी कोई है क्या आंसर, आपको लग रहा है कोई दिख रहा है क्या, ए हो सकता है, ए हो ही नहीं सकता, बी होगा ही ना, ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ तो आंसर होगा, तो उससे क्या मिस्टेक हो गई है, यहां पे एक लाइन आएगी बीच में तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कंसर्न नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़ा लकीर भी होगा, क्या हो गया इसमें बताइए, कुछ दिक्कत हुई क्या, आपको साफ दिख रहा है कि अगर ऐसा होता कि एक और ऑप्शन ऐसा ही होता तो हम सोचते कि यार सर हम, आप तो गलत ऑप्शन दे दिया आपने, पर छोटा सा लॉजिक है यार, ऑप्शन नंबर बी ही हो सकता है ना, क्योंकि देखिए ए की तो क्या स्थिति है ये देख सकते हैं आप, उसके बाद सी की स्थिति देखिए और डी की देखिए, तो तीनों अलग अलग ऑप्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है बी बचा मेरे पास, है ना। हाँ बीच में क्रॉस भी होगा लेकिन आंसर बी ही आएगा, क्रॉस कर दीजिए आप अपने मन से, इतना बड़ा कोई कंसर्न नहीं है इस क्वेश्चन का, चिंता वाली बात है नहीं, एक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है सारे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दिया जाए, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, चलिएगा। रोशन जी ने अपने सीन खड़े कर लिए, वेरी गुड रोशन, अरे हेमंत जी ऑप्शन गलत नहीं होंगे एग्जाम में, ऑप्शन तो यहां किसी मतलब जहां से मैंने क्वेश्चंस निकाला वहां गलत होगा, हम तो दिमाग लगा सकते हैं ना कि ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो बचा कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी तो बचा भाई, ए सी डी तो हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे, तो गलती हो सकती है एसएससी से भी, लेकिन आप ऑप्शन बी ही आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम नेशनल पार्क की ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो कहीं जाइएगा नहीं, और अगर किसी ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, बिल्कुल आसान टॉपिक था ये। ठीक है, आंसर भी मेरे पास आ चुके हैं,
अब बताइए इसमें, इसमें तो आ गई ना लाइन सबके पास। हाँ जी, ए आंसर आ गया सबका, वेरी गुड। ए आंसर आ जाएगा क्योंकि आपको पता है ऐसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है और ऐसे लेके चलना है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिगर कंप्लीट कर दिया मैंने इस तरीके से, ये दे रखे हैं आपको चार पोर्शंस और आपको इस तरीके से फिगर कंप्लीट करना है। ये इस तरीके से गोला बन जाएगा यहाँ पे और पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, और ये इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, और यहाँ पे ये इस तरीके से दे रखा है और कुछ है ही नहीं यार, है ना, इस तरीके से यहाँ पे ये दे रखा है, तो ये इसकी फोटो बन जाएगी, ऐसे मान सकते हैं आप ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें। अब ट्रिक पे आ रहा हूं मैं, ट्रिक बताऊंगा आपको, ट्रिक के लिए तैयार हो जाएं सब। यूपी की रीजनिंग जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो भी लोग यूपी से जुड़े हुए हैं तो ये रीजनिंग भी सेम है, यूपी की रीजनिंग अलग नहीं होती है, ना यूपी की मैथ अलग होती है, ये भी रीजनिंग है, सारे जो टॉपिक आपको चाहिए वो सब मैं कराऊंगा, तो बिल्कुल आप जुड़े रहें, बस शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों, ठीक है। हाँ मैं अगली क्लास में आपको सारे टेबल दिखा दूंगा। कर दिया लाइक सबने, चलिए यूपी की रीजनिंग की जल्द से जल्द क्लास आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन ना लें। तो दोस्तों सबसे अच्छी जगह क्या लगती है आपको घूमने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करते हैं भाई, अपना इंडिया है तो इंडिया में नॉर्थ इंडिया जो है हमारे पास, नॉर्थ इंडिया में सबसे टॉप पे कौन है, जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर खूबसूरती देखनी है तो जन्नत ही जाना पड़ता है, और अपनी इंडिया की जो हमारे पास खूबसूरती है जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो दिमाग में ये सोच के चलिए आज हम जम्मू कश्मीर घूमने वाले हैं और जम्मू कश्मीर के हम नेशनल पार्क घूमेंगे, ठीक है, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क घूमेंगे, ठीक है। हाँ तो आप जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क घूमेंगे आज, तो स्टार्ट करते हैं और याद करते हैं, अपने हिसाब से याद करते हैं, दुनिया का कोई भी हमें दिमाग से नहीं निकाल सकता, दुनिया का कोई भी इंसान, अगर हम अपने हिसाब से याद करेंगे। देखिएगा तो एक हमारे पास हेमिस नेशनल पार्क है, कहां पे है, हेमिस नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में एक पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है। इसके बाद दूसरा कौन सा है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, है ना। तीसरा कौन सा है, सलीम अली नेशनल पार्क, और चौथा है डचीगम नेशनल पार्क। अब आप मेरे को बताइए, अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि कोई ऐसी ट्रिक बताइए, मैं आपको याद कराने की तरीका बताऊंगा बिल्कुल, है ना, ठीक है। हाँ अब जम्मू एंड कश्मीर के लिए मैंने किसके लिए हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लिए हम ऐसे ही कवर करते चलेंगे, कोई दिक्कत है आपको कि पहले हम जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे तो सारे कवर करते जाएंगे, जिससे कि हमारे दिमाग में एक रो बन जाएगी, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी का पैटर्न याद करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। तो तरीका सही लगा आपको तो बिल्कुल यस लिख के भेजें सब लोग, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि टॉप पे है, सबसे नॉर्थ में है और यहीं से स्टार्ट करने का मैंने सोचा, तो आप बताइए सब सही है ना, बिल्कुल मैं सब कुछ कवर करूंगा, टेंशन ना लें आप। यस बिल्कुल यस आ गया मेरे पास, वेरी गुड, है ना। तो अब आपको क्या है, हाँ किसी ने मेरे को ट्रिक भेजी थी, बिल्कुल भेज दी, किसी ने मुझे लिखा कि हमको सलाम दो, बताइए। अब आपकी ट्रिक तो आपके दोस्तों ने बना दी, अब मेरा क्या काम रहा ये बताइए, मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये ट्रिक बन गई हमको सलाम दो, इससे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है, हेमिस, किश्तवाड़, सलीम अली और डचीगम नेशनल पार्क, ठीक है। हाँ तो अब बात सुनिएगा, हम ऐसे याद नहीं करेंगे ट्रिक व्रिक से, हम करेंगे सेंस से याद। तो दोस्तों
आप मेरे साथ घूमने गए भाई, सिलेक्शन हो गया हमारा, तो हम कहाँ गए सबसे पहले? जम्मू कश्मीर घूमने चले गए। जम्मू कश्मीर में मुझे अच्छा लगा कि किसी ने कहा कि हे मिस, मतलब वैसी बात है सब जाएंगे ग्रुप में, तो हे मिस नेशनल पार्क चलते हैं। हे मिस हो गया ना, हे मिस तो ही मतलब तो मेल और मिस मतलब फीमेल, वैसी बात है जब घूमने जाओगे तो मेल और फीमेल दोनों जाएंगे, तो ही किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए आता है या फिर मेल के लिए आता है। मिस किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए आता है, तो लड़का लड़की सब जाएंगे साथ में, तो हे मिस हो गया। तो समझ में आ गया, जम्मू कश्मीर चल रहे हैं घूमने अपन, ठीक है। चलिए अब आ गया, अब भाई एक में आप में से किसी ने कहा अरे सर वहां जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहां वॉर होते हैं, किश्त वॉर होते हैं, समझ रहे हो, किश्तों में वॉर होते हैं, मतलब आए दिन लड़ाई होती रहती है, युद्ध होते रहते हैं। तो याद हो गया कि घूमने का प्लान बनाया मैंने और आप सब जो भी हैं, हम सब सब ग्रुप में जाते हैं, लेकिन किसने बोला कि सर वहां पे किश्त में वॉर होते हैं, तो बन गया किश्त वॉर हो गया, ठीक है बिल्कुल। अब आगे क्या हुआ कि एक था सलीम अली, तो वहां पे हमने सलीम अली से पूछा, ऑब्वियस सी बात है सलीम अली है तो मुस्लिम कम्युनिटी का नाम है, तो मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी, तो वहां पे क्या सलीम अली मिला, तो उससे पूछा कि भाई यहाँ कुछ ऐसा वैसा है क्या, कोई वॉर का चक्कर है क्या यहाँ पे? तो उसने कहा नहीं, आप तो मस्त आराम से डिस्को जाओ, डचिगम जाओ, डचिगम मतलब अच्छा जगह है ना, डचिगम मतलब ऐसे डिस्को वाला थीम आ रहा है यार, समझ लेना है ना। तो बन गया ट्रिक, बन गया, अब जम्मू कश्मीर घूम लिए आप और आपको नेशनल पार्क भी याद हो गए, आपको पता भी नहीं चला। अब किसी बच्चे को पकड़ना, उसको टॉफी खिलाना और आराम से कहानी सुनाना, ठीक है, और कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, डचिकम फिर नहीं आएगा उसमें, है ना। तो देखिए दोस्तों आज का ये था सेशन, अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें क्योंकि मैं लाइक देखूंगा, और जिसका लाइक नहीं मिला फिर देखना भाई साहब, और क्योंकि कल हम और अच्छा पढ़ने वाले हैं, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, और फ्राइडे को तैयार रहना, मैं टेस्ट लूंगा आपका, तो जो भी क्लासेस हमारी छूट चुकी हैं मैं कल आपको बताऊंगा और आप उनको कवर कर लेना, ठीक है। देखिए हे मिस और सलमान ने किस किया, धमाल हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, सब हो गए, मस्त हो गया काम, है ना, सब सीख रहे हैं सब चीजें। चलिए मजा आया पढ़ने में आज की क्लास में, अच्छा लगा, एंजॉय किया नहीं किया ये बताओ पहले। हाँ हमको सलाम दो ये भी सही है, बिल्कुल सही है, मैंने मना नहीं किया, जिस तरीके से याद करना है, लेकिन हम सेंस से घूमने गए थे, घूमने का प्लान था, तो हे मिस के साथ गए भाई, लड़का लड़की सब गए, किश्तों में वार चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, सलीम अली मिला और उसने कहा कोई दिक्कत नहीं आराम से डचिगम जाओ, ठीक है ना। मजा आया, यूपी पुलिस के लिए जल्द से जल्द मैं क्लास लेके आऊंगा, तो बिल्कुल लाइक जरूर करें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो बिना लाइक करें ना जाएं। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं इसी टाइम 2 बजे मिलते हैं आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर करना ना भूलें, फेसबुक वालों लाइक करें।